हाय बच्चों, मैं अजित कुमार श्रीवास्तव द मैग्नेटिक क्लासेस से मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक चैप्टर लाया हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का नाम सुने होंगे आप लोग, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है बाबू वो है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स बहुत तो नाम सुनोगे, काइनेटिक्स गति यानी कि दर से नाम से भी जाना जाता है। एक बात मैं पहले आप लोगों को बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के पहले एक बात बहुत जानना जरूरी है कि आप लोग नाम सुने होंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। बोलो बोलो, सुने हैं आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शन? हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो कि दोनों तरफ यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट होता है। दोनों अभिक्रियाएं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ऊपर वाले को फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, नीचे वाले को बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में आर डॉट के लिखता हूं, शॉर्ट फॉर्म में आर डॉट के रिएक्शन को मैं लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में आर डॉट के। और एक होता है बाबू इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि कंप्लीट रूप से एक होता है जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होता है। तो हम लोगों को काइनेटिक्स चैप्टर में सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ना है, ठीक है? तो आइए देखते हैं, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। और ये पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन समझ रहे हैं, आर डॉट के लिखता हूं मैं, यहां पे पूरा लिख रहा हूं रिएक्शन, यानी कि आर डॉट के भी मैं लिखता हूं या पूरा लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट वर्ड रेट, मैं पूछूं आप लोगों से रेट क्या है बच्चों? रेट बताइए, रेट रेट क्या है? तो रेट क्या होता है? दूरी के साथ, मतलब समय के साथ जो दूरी तय करता है कोई भी सब्सटेंस, समय के साथ जो दूरी को तय करता है तो उसे क्या कहते हैं? दर कहते हैं, रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां भी तो वही बात हुआ, हम लोग अगर रेट को लें, रेट में क्या होता है यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम, ये ना होता है डिस्टेंस बाय टाइम। आइए रेट को थोड़ा और तरीके से जानते हैं हम लोगों को, लेकिन यहां पे किसी सबस्टांस और किसी बाइक किसी कार को नहीं जानना है, यहां हम लोगों को रिएक्शन में जानना है रेट क्या होता है। अच्छा, आपने सब लोग जानते होंगे एक बात कि रिएक्शन के दो कंडीशन तो मालूम है आप लोगों को, एक तो होता है कि बहुत फास्ट चलता है, एक बहुत स्लो चलता है। बहुत फास्ट में, जिसमें एग्जांपल बहुत फास्ट में क्या होता है, जिसमें फास्ट रिएक्शन अगर ले लो मैं, फास्ट रिएक्शन तो जनरली सब लोग को कहोगे आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन इज ए फास्ट रिएक्शन, मैं आगे चर्चा करूंगा इसका, लेकिन थोड़ा सा यहां पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। एक होता है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होता है? जो बिल्कुल मतलब कम होता है, जैसे मैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को स्लो रिएक्शन कहते हैं। लेकिन दोनों के बीच एक होता है मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन भी होता है जो दोनों के बीच होता है, ना तो स्लो होता है, ना तो स्लो होता है, ना ही फास्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। जनरली सभी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। जनरली, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, जनरली ये मॉडरेट होते हैं। तो हमें लेकिन यहां जानना है रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट को समझते हैं। इसमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो हमें इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को समझना है, बस समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन समझ गए। देखो, हर घर में, तुम लोगों के भी घर में किचन है, किचन हमारा एक लैब होता है और उस लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होते हैं, बनते हैं उसमें, जिसे में आटा से रोटी बनना है ना, चावल से भात बनना, पकौड़ी बनते हैं ना, पकौड़ी, पकौड़ी का सामान सामग्री लिए रिएक्टेंट खलाया, क्या क्या लिए पकौड़ी में, प्याज बेसन मिर्च है ना, नमक, रिएक्टेंट खलाएगा और जो छानेंगे बनेगा जो प्रोडक्ट खलाएगा। मान लो कि ये समय अभी शून्य है, मैंने समय शून्य का अर्थ में रहना, समय शून्य दैट मीन्स कि अभी शुरू नहीं हुआ है, हाँ? उस समय रिएक्टेंट जो है 100 ग्राम है, तो
तो प्रोडक्ट क्या होगा बाबू? जीरो, नहीं बना है। तो उस समय जीरो होगा। और लेकिन अगर समय को 5 मिनट कर दिया जाए तो रिएक्ट प्रोडक्ट यहां पे मान लो कि बनता है 20 ग्राम, तो रिएक्टेंट कितना बचा? 80 ग्राम बच गया है ना। यहां पे रिएक्टेंट आपका 80 ग्राम रिएक्टेंट बच जाता है। इस तरह से समय को बढ़ाइए। समय अब कर दीजिए आप 10 मिनट, तो ये अगर हो गया 40 ग्राम, तो ये बन गया 60 ग्राम, आपका यहां आ गया। इस तरह से समय बढ़ाइए, ये अब कर दीजिए आप 20 मिनट, तो अब मान लो कि यहां बन गया आपका 70 ग्राम, तो बच गया कितना? 30 ग्राम। आफ्टर टाइम 50 मिनट दिस इज फॉर 100 ग्राम, देन रिएक्टेंट विल बिकम 0 ग्राम। तो रिएक्टेंट कितना प्राप्त होगा बाबू? 0 ग्राम। क्या लगता है आपको? इसी को तो रेट कहते हो। दुनिया का कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होता है। प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है 0 to 100, ये देखिए डिक्रीज हुआ 100 to 0। घरों में आप आटा गूंथ कर जब रोटी बनाते हो तो एक समय आता है कि आटा खत्म हो जाता है, रोटी बन जाते हैं। तो रिएक्टेंट हमेशा खत्म हो जाता है, यानी कि समय के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम को ले रहे ना, पर यूनिट टाइम नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को तो रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये भी कह सकते हो डिक्रीजेज द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि एक्सप्रेस कैसे करेंगे, है ना? इसको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? एक्सप्रेस करने के लिए रेट को लेंगे यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा चेंज इन टाइम। मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अब आप पूछोगे सर कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन, समझिए यहां पे कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन एक यूनिट्स ऑफ, ये एक यूनिट है जो कि बताता है किसी भी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन सुनोगे आप लोग, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को निकालना अगर है तो बताता है कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर जेंटिन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कि एक यूनिट्स है ये किसी सॉल्यूशन का जो माप बताता है कंसंट्रेशन में, उसको मापा जाता है, एक्सप्रेस करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लिखते हैं सी से लिखे या कैपिटल बॉक्स से लिखे, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज एम बाय वी। और इसका यूनिट्स अगर आप निकालोगे तो मोल पर लीटर हो जाता है कंसंट्रेशन का। तो यही कहीं भी अगर बड़ा पोस्ट लिखें, अगर हमें लिखना हो कंसंट्रेशन ऑफ H2O, तो कंसंट्रेशन यानी बड़े कोस्ट के अंदर H2O डालेंगे। अगर हम लिखना हो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, तो कंसंट्रेशन और बीच में क्या लिखेंगे? NH3। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो बड़ा कोस्ट CO2 लेंगे, इसको कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंसंट्रेशन को हम लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया चलिए ओके। अब आते हैं यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज इन टाइम। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मैंने कहा ना रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज कर, तो लिख सकते हैं हम लोग यहां पे डिक्रीजेज
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट द चेंज इन टाइम, ये अभी लिख सकते हैं हम लोग, इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बट द चेंज इन टाइम, यानी कि ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट द डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी, यानी कि ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को इस बात को ध्यान देना होगा कि नेगेटिव साइन लगाना है, और ये नेगेटिव साइन का अर्थ ये नहीं होता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इट इज इंडिकेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा निश्चित तौर पे। तो यहां पे हम लोग कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलिए आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग यहां पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए मैं आगे आप लोगों को बताता हूं, इस पे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। कोई अगर मान लो कि कोई अगर रिएक्शन रहता है, ये 2a प्लस 3b रिएक्शन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4c, 2a 3b 4c, 2a और 3b दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड 4c इज कॉल्ड प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू, रेट कैसे लिखेंगे, रेट लिखेंगे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय थ्री डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय फोर डेल्टा टी। तो यहां पे आप कहोगे सर ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो टोटल आपने कहा रिएक्टेंट है, तो आप ये अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग सबस्ट्रेट हैं, जिस रेट से ए घटेगा उसी रेट से बी भी घटेगा और उसी रेट से सी बढ़ेगा, यानी कि सबका रेट बिल्कुल बराबर होगा, किसी का रेट ना बढ़ेगा ना घटेगा, सबका रेट बिल्कुल बराबर है। तो जिस रेट से ए घटेगा उसी रेट से बी भी घटेगा, उसी रेट से सी भी बढ़ेगा, यानी कि पूरे इन रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल सबस्टांस आर इक्वल, पूरे सबस्टांस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम लोग फॉर्मेशन और इसको अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में नाम देते हैं, यानी कि फॉर्मेशन के लिए भी बराबर होगा और जो डिसअपीयरेंस होगा उसके लिए भी बराबर होगा, हमेशा इक्वल होता है, इसलिए हम लोगों को ये बराबर लिखना होता है, राइट। चलिए अब हम लोग एक बात और जानते होंगे, एक बात और आपके दिमाग में आएगा, आप लोग भी पूछ सकते हो यहाँ पे कि सर ये दो को आप नीचे क्यों लिख रहे हो, ये तीन को नीचे क्यों लिख रहे हो। देखो होता क्या है कि अगर कोई कार 1 किलोमीटर दूरी तय करता है 2 घंटे में, तो सोचो कि 2 किलोमीटर दूरी तय करेगा 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा, अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करता 2 घंटे में तो 2 किलोमीटर दूरी करेगा तय 4 घंटे में। तो समय एक मोल के लिए 2 मिनट, अगर एक मोल के लिए टी समय लगता है तो 2 मिनट के लिए 2t समय लगेगा, एक मोल के लिए अगर टी समय लगता है 3 मोल के लिए 3t समय लगेगा, इसलिए टाइम में गुणा होता है।